नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबको स्वागत है। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो आज मैं आपको स्किन केयर रिलेटेड वीडियो बताने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो आपके पास ही होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरे वीडियोज़ में आप देखते होंगे या फिर दूसरे जगह आप पढ़ते होंगे या फिर मैगजीन में पढ़ते होंगे कि ये आप कुछ सब्जियों को छील लो, उसको पेस्ट कर लो, फिर लगा लो। इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है स्पेशली समर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है काम करने के बाद, या फिर इतना ज़्यादा धूप होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि हमें इच्छा होता है कि हाँ एसी लगा दो और बस सो जाओ। कौन स्किन केयर करता है, हाँ स्किन जाए भाड़ में। लेकिन अगर आप छोटा सा सिंपल सा स्किन केयर आपको मैं आज बताऊंगी, वो अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको स्किन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से रेस्ट भी कर सकेंगे। सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, आपको फेस को वॉश करना पड़ेगा। ये मैंने हिमालय का प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश लिया है, ये बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे फेस को, क्योंकि मेरे फेस ऑयली है और एक्ने प्रोन तो नहीं है, पर थोड़ा हाँ सभी के फेस में जैसे आ जाता है पिंपल्स, वैसे मेरे फेस में भी आ जाता है पिंपल्स, देखिए यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पिंपल्स आ जाता है। इसलिए मैंने ये फॉर प्रिवेंशन यूज़ कर लेती हूँ कि पिंपल ना आए। ये 200 ml का है और उसका प्राइस है 180, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ये इतना ज़्यादा बॉटल आपको, इतना सारा फेस वॉश आपको इतना कम दाम में मिल जाएगा। फेस अगर धूल मिट्टी से चिपका रहेगा तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, ओ माय गॉड, आपका फेस का जो हालत होगा, मतलब मैं बता नहीं सकती। इसीलिए आप फेस वॉश ज़रूर करिए। आपके पास जैसा भी फेस वॉश हो, आपके फेस के, आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो भी फेस वॉश हो वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद जो यूज़ करना है आपको वो है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं आप दो मॉइस्चराइज़र आपको मैं रिकमेंड करूँगी। एक तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वाला, ये तो सबके घर घर में होते हैं, सॉरी उल्टा दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, लैक्टोकैलामाइन। ये बहुत ही छोटा सा बॉटल है, इसका प्राइस है ओनली 75 rupees। और ये आपको पता है दोस्तों, इसका जो मैन्युफैक्चर से एक्सपायर डेट होता है ना, वो 5 years का होता है। कैन यू इमेजिन, इतना छोटा सा बॉटल का 5 years, मैं तो ख़त्म कर दूँ आपको, एक ही साल में ख़त्म कर दूँ। अगर आपको ये प्रोडक्ट आपके स्किन को सूट कर गया तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। और ये हाँ दोस्तों, इसमें ग्लिसरिन है, इसीलिए आप मेकअप प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये सबके फेस को, मुझे पता है सबके फेस को ये सूट नहीं करता है, किसी के फेस में दाने आ जाते हैं, इसलिए पहले आप इसको पैच टेस्ट कीजिए, नहीं तो एक दो बार अपने फेस में लगाइए। अगर ये आपको सूट कर गया तो जैकपॉट। और एक ऑप्शन मैं आपको देने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र का, वो है ये वाला। ये है न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री कॉम्बिनेशन स्किन मॉइस्चराइज़र। ये 118 ml है इसका और इसका प्राइस है 375। पर आप इसको आराम से नायका से, अमेजोन से खरीद सकते हैं विद गुड डिस्काउंट। इस मॉइस्चराइज़र को अभी आप एक बार ट्राई दे सकते हैं, अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, आप इसको एक पंप लीजिए और अपने फेस पे और अपने नेक पे अच्छी तरह से लगाइए। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको अगर इस मॉइस्चराइज़र का पूरा फुल रिव्यू चाहिए बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इसका फुल रिव्यू आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना आपको चाहिए या नहीं, आपको प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आपको दोस्तों मॉइस्चराइज़र स्किप मत करिएगा। बहुत लोग बोलते हैं समर्स है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा स्वेट निकलेगा, चिपचिपा हो जाएगा। डोंट स्किप योर मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या फिर आपको स्किन टाइप क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको मैं बहुत सारे मतलब आपको मैं बता सकती हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट आपके स्किन के साथ जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करके रखा है जो मेरी स्किन को सूट नहीं करता, उसको मैं फेंक देती हूँ, क्या करूँ अपने स्किन को ख़राब नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है इस पूरे स्किन केयर में, जो हीरो ऑफ दिस वीडियो है, वो है ये
न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन, मेरे पास ये न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन है क्योंकि ये सनस्क्रीन मुझे ज़्यादा पसंद है। आपके पास जो भी सनस्क्रीन है, आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो सनस्क्रीन आपको ज़्यादा शूट करता है, उसी सनस्क्रीन को आप यूज़ कीजिए। अगर आप घर पे भी रहते हैं तब भी आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, क्योंकि यूवी रेज जो है वो आपके विंडो से भी आता है, आपके डोर से भी आता है, वो यूवी रेज कहीं से भी आ जाता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं घर पे हूँ क्यों सनस्क्रीन लगाऊँ। आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है, ये ग्रीसी नहीं होता है, इसमें चिपचिपापन नहीं होता है। और सबसे अच्छी जो बात है ये है, सबसे अच्छी बात जो है ये वाटर प्रूफ है दोस्तों। आप अगर फेस को धो भी देंगे या फिर आपको पसीना निकल रहा है तो आपका सनस्क्रीन टच से मस्त नहीं होगा। और एक अच्छा सा आपको मैं फ्री में टिप दे देती हूँ, और एक अच्छा सनस्क्रीन है जो है लोटस का मैट जेल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका भी यूज़ कर रखा है उसको भी, अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका भी रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, फेस वॉश जो आपके पास है उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज़र, आपके पास आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो भी मॉइस्चराइज़र है वो मॉइस्चराइज़र, मैंने यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिए रखा है। और उसके बाद सनस्क्रीन, आफ्टर सनस्क्रीन आप अपना मेकअप अगर करने वाले हैं तो आप प्राइमर लगा सकते हैं, फिर आपका जो भी मेकअप रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं तो इतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। पूरे स्किन केयर में हीरो है ये सनस्क्रीन, ये आपको स्किप नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप कहीं भी जा रहे हैं प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इससे डार्क सर्कल्स भी आते हैं, काले जो धब्बे हो जाते हैं, तो इसको आपको फॉलो करना होगा। ये छोटा सा टाइनी मिनी सा जो सनस्क्रीन केयर मैंने आपको बताया है, ये आप फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि स्किन केयर आपको कैसा लगा, आपकी स्किन में कुछ मतलब चेंजेस आ रहा है या नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा इस चैनल को और मैं आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं फिर आ जाऊँगी दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।